नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर को, एक है Ryzen 5 7530U प्रोसेसर, उसके साथ Intel i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12450H। ये जो Ryzen 5 प्रोसेसर है वो आपको Lenovo ThinkBook एंड Asus Vivo 15 पे देखने को मिलता है। जो Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Acer Aspire Lite एंड बहुत सारे लैपटॉप में भी देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज किस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरह से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर है और आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ बिल्कुल जाना सही रहेगा। सो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। सो ये प्रोसेसर के साथ साथ जो जो लैपटॉप आते हैं उन सारे लैपटॉप का बेस्ट वैल्यू मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आप प्लीज काइंडली उसी लिंक से परचेज करना है और मुझे सपोर्ट करना है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वॉचिंग माय चैनल डिटेकी। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Ryzen 5 रिलीज हुआ है 5 जनवरी 2023 को एंड Intel i5 रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में Ryzen 5 एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको 64-bit Gen3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्साकोर CPU देखने को मिलता है। अगर हम Intel i5 प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 64-bit Alder Lake आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टाकोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। बट Ryzen प्रोसेसर में आपको 6 कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो Intel i5 प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में Intel i5 12 जनरेशन एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम Intel i5 प्रोसेसर के बारे में बात करें यहाँ पर भी आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे आपको ऑलमोस्ट सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा भी थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस बहुत ही धांसू देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, Ryzen 5 प्रोसेसर आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Intel i5 प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, इस कारण से ये एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 5 एक बेटर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में, Ryzen प्रोसेसर पर आपको बेस फ्रिक्वेंसी मिलता है 2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी मिलता है 4.5 GHz की। अगर हम Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रिक्वेंसी मिलता है 2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी मिलता है 4.4 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको बेस फ्रिक्वेंसी मिलता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी मिलता है 3.3 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी आपको Ryzen 5 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। Ryzen प्रोसेसर पर आपको 384 KB की मिलेगी एंड Intel i5 प्रोसेसर पर आपको 640 KB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो L1 केस Intel i5 प्रोसेसर पे बिगर देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में Intel i5 एक बेटर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको 3 MB की मिलता है बट Intel i5 प्रोसेसर पर आपको 7 MB की मिलता है। सो यहाँ पर देखें तो L2 केस Intel i5 पे बिगर देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में Intel i5 एक बेटर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। Ryzen प्रोसेसर पर आपको 16 MB की मिलता है बट Intel i5 प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको L3 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में Ryzen प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। GPU के बारे में, Ryzen प्रोसेसर पर आपको AMD Radeon RX Vega 7 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बेस फ्रिक्वेंसी मिलता है 300 MHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी मिलता है 2000 MHz की। अगर हम Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको Intel USD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बेस फ्रिक्वेंसी मिलता है 400 MHz की पर टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी मिलता है
1400 मेगाहर्ट्ज़ की। तो यहाँ पर देखें तो फ्रीक्वेंसी के मामले में Ryzen 5 एक बेटर प्रोसेसर है। अगर हम IGP परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको 1.76 टेराफ्लॉप की मिलती है, बट Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 0.92 टेराफ्लॉप की मिलती है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि IGP का परफॉर्मेंस आपको Ryzen प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। रैम के बारे में, Ryzen प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64GB की। यहाँ पर आपको DDR4 LPDDR4X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4267 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 12th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64GB की। यहाँ पर आपको DDR4 LPDDR4X DDR5 LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इंटेल i5 12th जनरेशन प्रोसेसर पर आपको वेराइटी ऑफ रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको रैम फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सो रैम के मामले में नो डाउट इंटेल i5 12th जनरेशन एक बेटर प्रोसेसर है। TDP के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, पहले जान लेते हैं ये TDP क्यों आता है। TDP ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कुछ काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है उसको हम CPU कूलर बोलते हैं। वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम TDP बोलते हैं। सो जितना ज़्यादा TDP होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, तो जितना कम TDP होगा वो उतना कम पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको 15 वाट का TDP मिलता है, बट Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 45 वाट का TDP मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको TDP कम देखने को मिलता है, सो यहाँ पर आपको बैटरी कंजप्शन भी कम देखने को मिलेगा। सो TDP के मामले में Ryzen 5 एक बेटर प्रोसेसर है। CPU टेम्परेचर के बारे में, Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिलता है 95 डिग्री सेल्सियस की, बट Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब है कि जो Intel प्रोसेसर बहुत ही गर्मी जल सकता है, सो CPU टेम्परेचर के मामले में Intel i5 12th जनरेशन एक बेटर प्रोसेसर है। PCI एक्सप्रेस वर्सन के बारे में, Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको वर्सन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर पर आपको वर्सन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि Intel i5 12th जनरेशन पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्सन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम PCI लेन के बारे में बात करें, उससे पहले PCI लेन क्या होता है वो भी जान लेते हैं। PCI लेन ये होता है कि एक प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा डाटा ट्रांसफर उतना फास्ट होगा। सो Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको 20 PCI लेन देखने को मिलता है, बट Intel i5 प्रोसेसर पर आपको 28 PCI लेन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा PCI लेन देखने को मिलता है। सो नो डाउट PCI एक्सप्रेस वर्सन के मामले में Intel i5 12th जनरेशन एक बेटर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1443 एंड मल्टी कोर में 8418। अगर हम Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1587 एंड मल्टी कोर में 9947। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। पासमार CPU के बारे में, Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3120 एंड मल्टी कोर में 16075। अगर हम Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3380 एंड मल्टी कोर में 17006। यहां पर भी आप देख सकते हो Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर बेटर देखने को मिल रहा है। Geekbench 6 के बारे में, Ryzen 5 प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1934 एंड मल्टी कोर में 6856। अगर हम Intel i5 प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2246 एंड मल्टी कोर में 8484। सो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहां पर बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करें, तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i5 12th जनरेशन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Ryzen 5 7530U प्रोसेसर उसके साथ Intel i5 12th जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12450H। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Ryzen 5 7530U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में।
पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको L3Ks बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लो TDP देखने को मिलता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको एक पावरफुल IGPU देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल F12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोज के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, आपको L1 L2 कैश मेमोरी बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई फ्रीक्वेंसी का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको हायर CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्सन का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा, मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिंपल है जज करने के लिए। अगर आपको पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आप ज़्यादातर गेमिंग करते हो, मतलब हैवी गेमिंग करते हो, हैवी एडिटिंग करते हो, तो आप आराम से जा सकते हो इंटेल F12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जिसका वारंटी 12450 है, क्योंकि वहां पर आपको एज प्रोसेसर दिया गया है कि वहां पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। बट आपको एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो कि बैटरी बैकअप यहां पर आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर आपको TDP 45 वाट का मिलता है। अगर आपको बैटरी बैकअप भी चाहिए, आपको ज़्यादा गेमिंग नहीं करना है, एडिटिंग नहीं करना है, आप एक स्टूडेंट हो, कोडिंग करना है, अगर आप एक ऑफिस पर्पज़ के लिए एक लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे थे, तो आप क्लियरली जा सकते हो Ryzen 5 के तरफ का वेरिएंट है, Ryzen 5 7530U प्रोसेसर, वहाँ पर आपको बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा मिलेगा, वो भी 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, उसमें आपको TDP 15 वाट का मिलता है, तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर आप ये पूछ रहे हो कि इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है, वो तो नो डाउट इंटेल F12 जनरेशन 12450H प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। आप कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना चाहते हो या फिर कौन सा लैपटॉप के साथ जाना चाहते हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ लो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, ये जो प्रोसेसर के साथ जो जो लैपटॉप आते हैं, सारे लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, प्लीज मेरे लिंक को यूज करना है बाय करने के लिए। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना है क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।